लॉकडाउन के चलते गरीबों को राशन का बराबर वितरण नहीं किए जाने से रामटेक के विधायक आशीष जायसवाल ने काम में लापरवाही बरतने वाले राशन अधिकारी को खरी खरी सुनाई। आइए डालते एक नजर। बताओ कितना देना चाहिए इनको, आपने मुझे बताओ, आपने मुझे बताओ, राशन कार्ड देख के हर एक व्यक्ति को कितना देना चाहिए बताओ उसको, उसका कितना है, तुम चोर रहे हो उसका, कितना मिलना चाहिए बताओ उसको, अभी गरीब लोगों का राशन चोरते हो बताओ उसको, आपने मुझे बताओ देख के कितना उसका आ गया करके बताओ उसका, कितना पैसा खाया तुमने उसका आज तक गरीब लोगों का बताओ उसको, राशन कार्ड पढ़ के बताओ वो भाई को, तुम कितना उसका पैसा खाया तुमने आज तक बताओ उसको, और माफी मांगो उससे बताओ उसको कितना देना चाहिए उसने, कितना देना चाहिए वो बताओ ना। 12 किलो गेहूँ, चावल कितना, चावल 12 किलो और गेहूँ कितना, 18 किलो कितना देते उसको, कितना देते भाई तुमको, 4 किलो चावल 6 किलो। गरीब आदमी का भाई पैसा खाते हो, दुकान बंद रखते हो, कौन है भाई इसका, और कौन है कंप्लेंट किसकी, इधर इनकी कंप्लेंट है, आओ इधर, क्या नाम है आपका, धर्मेंद्र चौहान, छोटे लाल चौहान, कितना मिलता है आपको बताइए, 6 किलो गेहूँ और 4 किलो चावल, कितना देना चाहिए इनको बताओ भाई, मजा नहीं तो अभी बता दो, राशन कार्ड देख के नहीं तो मशीन रसीद देते क्या किसी को, तुम ऑनलाइन जितना होता है बताओ ना, दिखाओ रसीद देते क्या इनको, तुम देखता है तहसीलदार, बताओ इनको ऑनलाइन कितना देना चाहिए, मशीन किधर है, टाइम इधर से आया ना, घर गया ही नहीं, मशीन कहाँ है, मैं नहीं कौन चाह रहा था, मशीन दुकान में चाहिए ना, दुकान खोलो, चाबी लाना पड़ेगा ना, मंगा तो चाबी 5 मिनट में, पूरे लोगों को पुराने माल के साथ तो वापस करके तो भर के पूरा, मेरी दुकान कैंसिल करेंगे तुम्हारी, 3-3 दुकान कैसे मिली तुम एक ही जगह पे, बोलो तुम संस्था के कैसे चला सकते तुम, क्या राइट है इसका संस्था में, कहा तमाशा था तो राज्य तुम्हें क्या करता,